अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑस्मोसिस आना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने वाटर बॉल देखा है कभी, जो पानी में डालने पर बड़ा हो जाता है? देखा है ना, बचपन में खेलते थे आप उससे। चलो किशमिश पानी में डालने पर फूल जाता है। ज़्यादा हाई सॉल्ट डाइट लेने वाले लोग फूल जाते हैं। जो कम सॉल्ट डाइट लेने वाले लोग दुबले पतले हो जाते हैं। तो सॉल्ट डाइट भी हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम। इसीलिए व्रत बनाया गया हिंदू धर्म में कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आप सॉल्ट कम खाएंगे या नहीं खाएंगे, ताकि आपकी जो सॉल्ट डाइट है वो मेंटेन रह सके और आपकी हेल्थ बनी रहे। डेली डेली आपको खाना खाना ज़रूरी नहीं है, एक दिन ऐसा ज़रूर आना चाहिए जिस टाइम पे आपको खाना कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जिसे व्रत बोलते हैं। ऑस्मोसिस, जैसे मान लीजिए किशमिश को आपने पानी में डाल दिया, तो किशमिश के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल सा मतलब गाढ़ापन। चलो पानी में आप, पानी और किशमिश में कौन ज़्यादा गाढ़ा है? किशमिश। तो यानी किशमिश के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे आप उसे पानी में डालते हो, कुछ टाइम के बाद जब उसे आप निकालोगे तो आप देखोगे उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल किशमिश के अंदर इंटर कर चुके हैं। अच्छा, अब वाटर के मॉलिक्यूल इंटर कर रहे हैं कहाँ से? प्योर वाटर से किशमिश के अंदर इंटर कर रहे हैं। तब इसको कुछ ऐसे समझते हैं, या आपकी बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप कभी ज़्यादा देर तक कपड़े धो लो या ज़्यादा देर तक अपने आप को पानी में रखो, क्या होगा? हाथ श्रिंक हो जाता है ना, उंगलियाँ थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं। आप नहीं श्रिंक होते, थोड़ी सी उंगलियाँ थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं हल्की हल्की। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो पानी है ना, वो पानी सॉल्ट वाटर है। उस पानी में NaCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है। इसी वजह से आपकी जो उंगलियाँ हैं, वो फिंगर है, वो थोड़ी सी श्रिंक हो जा रही हैं और आपको डिहाइड्रेशन फील होने लगेगा। फिर आपको पानी पीना पड़ेगा और आप फिर पानी पीते हो। आप कपड़े धुलते हो, पसीना होता है, या फिर जब भी आप कपड़े धुलते हो ज़्यादा देर तक, आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर तक पानी में हो, तो आपका हाथ ज़्यादा देर तक पानी रहेगा। तो प्योर अगर यही डिस्टिल्ड वाटर के साथ करो, आप डिस्टिल्ड वाटर से कपड़े धुलो, मतलब ऐसे आप भिगो, आप उसमें लेटे रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? हाँ, आप बल्कि उल्टा प्रोसेस होगा, आप फूलते चले जाओगे। बट अगर आप, ऐसा लग रहा है कि आप सॉल्ट वाटर में आप ये काम कर रहे हो, यानी कि आप डिटर्जेंट, अब जब आप भिगोते हो पानी में, तो आप देखते हैं कि वो एक सॉल्ट वाटर है। डिटर्जेंट क्या है? एक सॉल्ट है। तो वो जो पानी बन जाता है वो सॉल्ट वाटर बन जाता है। इस वजह से जब आप कपड़े धुलते हो तो आपके हाथ थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग डालेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हेडिंग डालिए और लिखिए, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स, इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने एक कंटेनर ले लिया, ध्यान से सुनना, मैंने एक अब आप सोच रहे हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? जब आप कभी अंडे को छिलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट और अंडे के बीच में एक पतला सा लेयर होता है, वही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन है जो अंडे देख के उल्टी कर देते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो प्याज छिलना शुरू कर दें। जब आप प्याज छिलोगे ना, तब भी आपको एक पतला सा लेयर दिखेगा, वही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं जो हमारे घरों में RO में यूज हुए होते हैं, जिसको हम लोग सेलुलोज बोलते हैं।
कुछ एनिमल मेम्ब्रेन भी होते हैं, उन सब के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। फिलहाल के केस में अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे बीच में डाल दिया। सुनना ध्यान से बेटा, मैंने क्या किया, बीच में यहाँ पे मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दिया कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सिंपल सा मतलब है, सेमी का मतलब क्या हुआ, हाफ, परमिएबल का मतलब परमिशन दे, है ना, मूव करना, अलाउ करना। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेमी परमिएबल का मतलब सिर्फ 50% को परमिशन दे रहा है वो, या अलाउ कर रहा है वो अपने अंदर से पास होने के लिए, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब उसमें अगर अलाउ कर रहा है पास होने के लिए तो उसमें पोर साइज होंगे ढेर सारे पोर होंगे, उस पोर का अपना एक साइज होगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक तरफ मैंने सॉल्ट वाटर रख दिया, या दोनों तरफ मैंने सॉल्ट वाटर रखा है, यहाँ पर भी है, देखो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर ये पानी दिखाया है, क्योंकि हनी सिंह कुछ दिन पहले हमें बता चुके हैं आज ब्लू है पानी, तो पानी का कलर ब्लू होता है, उन्होंने बताया था हमें, ठीक है, तब से हम समझ गए। अच्छा, पानी ब्लू नहीं होता, अब उन्होंने बताया, यार इतने बड़े आदमी है तो फिर मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने ब्लू कलर से यहाँ पानी बना दिया। ब्लैक कलर से मैं सॉल्ट के पार्टिकल बना रहा हूँ, NaCl या जो भी सॉल्ट है, उस सॉल्ट के पार्टिकल को मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखा दिया। अब आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है और किस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको देख के क्या लग रहा है, राइट साइड में इधर कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो मैं कॉन्क लिख देता हूँ, इधर क्या है तो दिल लिख देता हूँ, ठीक है, इधर इधर डाइल्यूट है और उधर कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, नेचर एक काम करता है, वो हमेशा चीज़ों को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करता है, वो किसी को अमीर या किसी को गरीब नहीं देखना चाहता, वो चाहता है सब इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब नेचुरली ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसे SPM बोल देता हूँ, SPM का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब नेचर चाहता है कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड वो क्या हो जाए, डाइल्यूट, और ये डाइल्यूट क्या हो जाए। अब कॉन्सेंट्रेटेड को सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के दो तरीके हैं, या तो सॉल्यूट के पार्टिकल को कम कर दो या सॉल्वेंट के पार्टिकल को बढ़ा दो। और डाइल्यूट सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करने का दो तरीका है, कौन कौन सा, सॉल्वेंट का पार्टिकल कम कर दो या सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ा दो, दो काम कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पोर साइज इतना छोटा होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल इससे मूव नहीं कर सकते, तो कौन मूव करेगा, यानी कि इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने की पूरी जिम्मेदारी कौन से पार्टिकल की है, सॉल्वेंट पार्टिकल की। अब सॉल्वेंट पार्टिकल डिसाइड करेगा किधर मूव करना है। अब सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों तरफ मूव कर सकता है, हो सकता है सॉल्वेंट का पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड से लेकर डाइल्यूट की तरफ मूव करे, ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल डाइल्यूट से किधर मूव करे बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करें। भैया जब आप उसे अलाउ कर दे रहे हो, आप सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ कर रहे हो ना मूव करने के लिए, तो दोनों तरफ मूव कर सकता है, हो सकता है कुछ पार्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ आएँ और हो सकता है कुछ पार्टिकल डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएँ। जब भी कभी पार्टिकल, ध्यान से सुनना, जब भी कभी पार्टिकल डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जा रहे होते हैं तो नेचर के साथ चल रहे होते हैं, नेचुरली वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो इसको क्या करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट, और इसको क्या करने वाले हैं, डाइल्यूट। दैट्स वाई दिस ऑस्मोसिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंडोऑस्मोसिस। लेकिन अब भैया पार्टिकल तो कहीं भी जा सकते हैं ना, सॉलेंट पार्टिकल अलाउ कर रहा है इधर उधर जाने के लिए, तो इधर से यहाँ जा सकता है तो यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता है। इस केस में इस ऑस्मोसिस को नाम देते हैं एग्जो ऑस्मोसिस। अब हमारे पास दो ऑस्मोसिस है, कौन कौन सा, एग्जो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस, दो ऑस्मोसिस हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुन करके मुझे बताना, ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो दोनों के रेट बराबर होनी चाहिए या अलग अलग होने चाहिए, बराबर। अगर दोनों का रेट बराबर हो जाएगा तो पार्टिकल का मूवमेंट तो ओवरऑल जीरो हो गया, अलग अलग होने चाहिए। कौन सा पार्टिकल ज़्यादा मूव करना चाहिए, एंडो, एंडो वाले ज़्यादा मूव करने चाहिए, एक्जो वाले कम मूव करें, इस वजह से ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन डाइल्यूट होता रहेगा। तो अगर कभी भी, केस बना रहा हूँ, रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एक्जो ऑस्मोसिस, ऐसा कभी हो सकता है,
तो इस केस में जो प्रोसेस होगा सिंपली ऑस्मोसिस कहलाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। दूसरा केस, इफ उल्टा कर दूँ, रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस इज लेस देन रेट ऑफ एग्जोऑस्मोसिस। इस केस में क्या होगा बेटा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और उसे रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग सिंपल शब्दों में RO बोलते हो, कि हमारे घर में RO लगा हुआ है। इस RO में क्या हो रहा होगा, रेट ऑफ एग्जोऑस्मोसिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस, ठीक है ना। तीसरा केस, इफ रेट ऑफ एंडोऑस्मोसिस दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एग्जोऑस्मोसिस, अगर कभी ऐसा हो जाए तो समझ लेना प्रोसेस किस में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया है, और अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो सॉल्यूशन आइसोटोनिक कहलाते हैं। कौन सा सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं। अब आप सोच रहे हो सर ऑस्मोसिस तो चलो हमें समझ में आ गया, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर समझा दो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ही आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए मैं एनसीईआरटी का एक प्यारा सा डायग्राम बनाना चाहूँगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छा डायग्राम, मुझे सारे बुक में से सबसे अच्छा डायग्राम यही एनसीईआरटी का यही वाला लगता है। अलग अलग बुक में इसके अलग अलग डायग्राम हैं इस प्रोसेस को समझाने के लिए, लेकिन मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, आसान भी है। यहाँ पे SPM है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इधर कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ, चलो। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक। मैंने कहा अगर आप कह रहे हो कि सर ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये फैन यार एक कोई बंद कर दो भाई, कहाँ से बंद होता है, कौन सा वाला है, वो तो रो रहा है बेचारा, काफ़ी देर से कह रहा बस करो मुझे बंद करो मुझे बंद करो, और आप लोग बंद ही नहीं कर रहे हो। बंद हो गया बेटा, बंद हो गया, अब उसे राहत मिली थोड़ी सी। ये तो चौन, ये ऑन कर दो, अच्छा ये दोनों सेम कनेक्शन है क्या उन दोनों का, हो गया हो गया ऑन हो गया, चलो अब ये बचा हुआ है, ये खराब है, एक दो उठा के हो गया, चलो इधर देखते हैं। एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, एक तरफ डाइल्यूट है। मैं आपसे कह रहा हूँ सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर मूव करेंगे, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट, तो सॉल्वेंट पार्टिकल मान लो इधर मूव कर दिए, जैसे जैसे सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूव करेंगे क्या ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, ये सुनो, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर की तरफ ना जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पकड़ के दबाना होगा ना इसको, तो मैंने क्या किया उसको प्रेस किया, तो स्टार्टिंग में बड़ी तेज़ी से ये भाग रहा था, इधर की तरफ आ रहा था, मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया आना कम हो गया, थोड़ा और प्रेशर लगा दिया आना और कम हो गया, एक मिनिमम प्रेशर लगाया जिस पर इसका मूवमेंट जीरो हो गया, अचानक से उसका मूवमेंट क्या हो गया, जीरो, कोई सॉल्वेंट के पार्टिकल अब फ्लो नहीं कर रहे हैं,
जिस प्रेशर पे कोई भी सॉल्वेंट का पार्टिकल फ्लो ना करे वही प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सोचो जरा, अगर मैं उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा देता तो क्या होता? पार्टिकल रिवर्स चला जाता, और इसको क्या बोलते? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है? प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर इज ऑलवेज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, वो रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन होती है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप डेफिनेशन लिखो, आप ये सारी चीज़ें नोट कर लो। पहले इन सबको नोट कर लो, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर रेडिंग डालिए और लिखिए, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात ध्यान से सुनना बेटा, जितना ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्या उतनी तेज़ी से पार्टिकल मूव करेंगे? और जितनी तेज़ी से पार्टिकल मूव करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप हटाते हो तो R इंटू टी कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लग जाता है। तो ये हो गया पाई इक्व टू सी आर टी। अब C है आपकी मोलैरिटी, यहाँ पे ये जो सी क्या है बेटा? मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, NB बाई V। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ P इक्व टू NB बाई V आर टी, क्या आप में से कोई है जो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला बता सकता है? ओके, जरा इधर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, तो पाई को इधर लेके आऊं, तो पाई इंटू वी दिस इज इक्वल टू एन वी इंटू आर इंटू टी। क्या ये आइडियल गैस इक्वेशन नहीं बन गया? बट जहाँ पे गैस था वहाँ पे प्रेशर हुआ करता था, और ये लिक्विड की केस में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है ना? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, वेयर सी इज द मोलैरिटी। इस केस में हमने मोलैरिटी क्यों नहीं यूज किया? मोलैरिटी क्यों यूज किया बेटा? क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे। इन सबकी जगह पे टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या बात क्लियर है? आप एक गुलाब का फूल खरीद लो, उस फूल को ले जाके पानी में रख दो, काफ़ी दिनों तक वो हरा भरा बना रहेगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे तो वो सूख जाएगा। पानी में रखने से क्यों ऐसा हो रहा है? ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर इंटर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हरा भरा बना रहा है। ओके, प्लास्टिक की लेयर। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये नोट कर लिया ना? चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। 200 सेंटीमीटर क्यूब हाँ 200 सेंटीमीटर क्यूब सीसी लिख दो ना, सेंटीमीटर क्यूब 200 सीसी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ गिवेन है बेटा? सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है कितना?
200 सीसी यानी कि मिलीलीटर, वन सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 1 मिलीलीटर, तो यह हो गया 200 मिलीलीटर। ओके, वॉल्यूम हो गया 200 मिलीलीटर। टम्प और उन्होंने क्या दिया है, प्रोटीन यानी कि डब्ल्यू बी की वैल्यू दिया है ना, डब्ल्यू बी दिया है 1.26 ग्राम, 1.26 है, करेक्शन कर लीजिए। 200 सेंटीमीटर क्यूब एन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी, यानी कि पाई की वैल्यू दिया है 2.57 इंटू 10^-3 बार, 2.57 इंटू 10^-3 बार, बार का नाम सुनते ही कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, आपको एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। आर की वैल्यू दी है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, सारी वैल्यू दी हुई है, क्या निकालना बेटा एम बी कैसे निकलेगा, अगर ये फॉर्मूला आप ध्यान से देखेंगे तो एन बी की वैल्यू निकालनी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं एन बी की, आप एक बार कैलकुलेट करके देखो सब लोग, तब तक मैं इधर इरेज करता हूँ, हाँ ये कर रहा हूँ है ना। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दी है 1.26 इंटू, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 0.083 इंटू टेम्परेचर इंटू 1000, क्योंकि मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, एम बी पूछ एम बी सॉरी यहाँ पे एम बी इधर आ गया तो पाई आ गया ना, पाई पाई की वैल्यू कितनी है 2.57 इंटू 10^-3 मल्टीप्लाइड बाई वी की वैल्यू, वॉल्यूम है 200, एक बार इसे कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 61.02 ग्राम पर मोल,
कितना आ रहा बेटा? 61.02 ग्राम पर मोल, ठीक है, सही आ रहा है बिल्कुल। चलो, तो ये रहा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे सॉल्यूशन को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। बायोलॉजी में आप लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, सिंपली ह्यूमन ब्लड में या आरबीसी में एनएसीएल का कितना परसेंट होता है? 0.9%। अच्छा, सिर्फ ये जानना बहादुरी नहीं है कि 0.9% होता है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है, इसे इरेज कर दूँ, ठीक है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि 0.9 वी बाई वी, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू या डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू बाई वी, एक नोट पॉइंट लिखिए। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि दो सॉल्यूशन है S1 एंड S2, मेरे पास मान लो दो सॉल्यूशन है, उन दोनों सॉल्यूशन का अपना कॉन्सेंट्रेशन C1 एंड C2 है। मान लो एक सॉल्यूशन S1 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर Pi1 क्या हो जाएगा? C1 RT, यही होगा। एक सॉल्यूशन S2 है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? Pi2 की वैल्यू C2 RT। अगर मैं आपसे कहूँ दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दो, C1 = C2 कर दो, उस केस में आपको क्या लगता है? Pi1 = Pi2। इस टाइप के सॉल्यूशन को नहीं, S1 तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वन और ये क्या है? सॉल्यूशन 2। तो दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 है और ऑस्मोटिक प्रेशर Pi1 = C1 RT, Pi2 = C2 RT। अगर C1 C2 बराबर कर देंगे तो Pi1 Pi2 बराबर हो जाएगा और इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सिंपल सा, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उस सॉल्यूशन को आप बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन कभी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने का मेन रीजन क्या बढ़ना होगा? कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा और इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। किसी भी रीजन से अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। छोटी सी गलती से क्या क्या हो सकता है सोचो, एक छोटी सी गलती से बहुत कुछ हो सकता है, आओ देखते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है गलती कहाँ कर रहे हो ना। तो मान लो एक झोला छाप डॉक्टर है, आप में से दो चार बनने वाले हैं। मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का जो आरबीसी होती है, मैं आरबीसी को रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये आरबीसी है। इस आरबीसी में जो एनएसीएल का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0.9 डब्ल्यू बाई वी परसेंट होता है, 0.9% डब्ल्यू बाई वी होता है। आपका जो ब्लड का फ्लूइड है जिसके अंदर ये आरबीसी तैर रहा है, उस ब्लड के फ्लूइड का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.9%। अब मान लीजिए किसी दिन आप बीमार हो गए और किसी झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच गए, डिहाइड्रेशन की वजह से आप पानी नहीं पी पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या करता है वो? एक ग्लूकोज होता है ना, तो उसी को इंजेक्ट करा देता है आपकी बॉडी में सिंपली। उसमें ऐसा क्या होता है? वो कुछ नहीं, NaCl का सॉल्यूशन होता है, वो नमक पानी पी लो वही काम करेगा बस। सिर्फ नमक पानी होता है उसमें, NaCl होता है, इसी को WHO ने बनाया है ORS,
है ना, वही ORS का ही वाटर होता है वो। आप अगर डायरेक्ट पी नहीं सकते हो, जब आप पी नहीं पा रहे हो आप बहुत अगर मुझे ना हो पाएगा उस केस में क्या होता है, डॉक्टर फिर आपके बॉडी में वो इंजेक्ट कराएगा। सोचो जरा, जो उसने इंजेक्ट कराया उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका भी कितना परसेंट है, W 0.9% WV है। उस केस में अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या सेम है, और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होने की वजह से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट जितना अंदर की तरफ होगा उतना ही बाहर की तरफ होगा। एंडो ऑस्मोसिस और एक्जो ऑस्मोसिस मेंटेन है, आपका RBC अच्छा खासा काम कर रहा है। मुश्किल से 10 रुपये का वो बॉटल आता होगा, और 10 रुपये की वो पाइप निडल के साथ, 20 रुपये का वो यूज करता है डॉक्टर, और आपसे 500 रुपये ले लेता है। कुछ मल्टीविटामिन 50 रुपये का, कुछ मल्टीविटामिन जो कलरफुल उसमें डाल देता है, कलर दिखता है उसकी वजह से आपको लग बड़ा मजा तो रही है कलरफुल है, और फिर आपसे 500 रुपये ले लेता है, और आप कुछ कह भी नहीं सकते, डॉक्टर है ना वो, भगवान से आप कैसे कुछ कह सकते हो। तो इसलिए अच्छा बिजनेस है। मान लो, सोचो अगर वही डॉक्टर इतना ज़्यादा चला के वो 20 रुपये भी बचाना चाह रहा है, उसने थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी पढ़ी है वो 20 रुपये भी बचाना चाह रहा है, तो वो चाहता है कि इस बार वो सॉल्यूशन मैं घर पे ही बना लूँ, मार्केट से खरीद के क्यों लेके आऊँ, नमक पानी तो है लाओ घर पे बना लेते हैं। उसने बनाया लेकिन उससे गलती हो गई। क्या गलती हो गई, दो गलतियाँ हो सकती है, या तो नमक ज़्यादा हो सकता है या तो नमक कम हो सकता है। अब इन दो गलतियों से देखो क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा कि RBC का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है बेटा, इस बार जो बाहर फ्लूड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.8%। एक केस ये हो सकता है, एक केस हो सकता है 0.1%, दो केस हो सकते हैं। पहले केस में आपने क्या किया, कम कर दिया, और दूसरे केस में, अच्छा जब कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाले का कम हुआ तो RBC के अंदर से, RBC के अंदर की से भाई कॉन्सेंट अंदर की तरफ बढ़ेगा या बाहर की तरफ मूव करेगा, अंदर की साइड, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ। अब वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर करने लगेंगे, अब जिसकी वजह से ये स्वेल कर जाएगा, और उसके चक्कर में एक टाइम आएगा कि ये पूरी तरह से बस्ट कर जाएगा, बस्ट कर गया तो आपकी RBC तो गई, फट गई, किसकी किसकी वजह से, उस झोला चार डॉक्टर की वजह से। अच्छा RBC का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना और ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना। अब RBC तो गई तो क्या वो ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचा पाएगी, नहीं। अब ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, ब्रेन को उसका खुराक नहीं मिले, खाना नहीं मिला, वो कहेगा मैं काम ही नहीं करूँगा, जाओ मुझे खाना नहीं मिला मैं काम नहीं करूँगा। अब ब्रेन आपका काम करना बंद कर देगा और आप पागल कहलाने लगोगे, सिर्फ एक छोटी सी गलती आपका ब्रेन काम करना कम कर सकता है। दूसरे अब इधर देखो, इस केस में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाएंगे, और जैसे वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाएंगे ये श्रिंक कर जाएगा, इसमें श्रिंक कर रहा है, उसमें बस्ट स्वेल कर रहा है, बस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इधर एक मिनट, इसमें भी नुकसान है आपका, क्या नुकसान है इसको, बायो वाले तो जानते हैं, मैथ वाले भी जान लें। मान लो ये आपका ब्लड वेसल है, और ये कोई टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर आपके RBC हैं जो इसमें घूम रहे हैं, यहाँ पे इसके RBC घूम रहे हैं अब मैंने कहा कि वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ गए होंगे, और जब वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाएंगे
तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ भी तो ऐसे जाएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल के यहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से, वाटर के मॉलिक्यूल के यहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वाटर का ज़्यादा होने की वजह से आपका जो टिश्यूज हैं वो सब थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, आप थोड़े से मोटे होने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप मोटे हो रहे हो, लेकिन आप मोटे नहीं हो रहे हो, आप फूलते चले जा रहे हो, पानी भर रहा है आपके मसल्स में, पानी भर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हाई सॉल्ट डाइट ले लिया। हाई सॉल्ट डाइट होने की वजह से आपकी बॉडी श्रिंक नहीं करेगी, आरबीसी श्रिंक करेगी, आपकी बॉडी स्वेल करेगी। इससे एडिमा नाम की बीमारी बोलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, लिखेंगे आप ये। हाँ, ये वाला कौन सा बेटा? आइसोटोनिक। ये कौन सा हो गया? आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में सुनो, आइसोटोनिक में पाई की जो वैल्यू होती है वो किससे ज़्यादा होती है? ब्लड के पाई से या इक्वल होती है? और यहाँ पे पाई की वैल्यू कम या ज़्यादा? ज़्यादा होती है, अंदर का पाई ज़्यादा है ना। चलो यहाँ पे पाई वन और ये पाई टू, पाई यहाँ पे पाई वन और यहाँ पे पाई टू। अब यहाँ पे ये पाई वन है और ये पाई टू, बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? तो ये वाला जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक हुआ, ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? हाइपो। ये क्या हो गया? और ये कौन सा हुआ? हाइपरटोनिक। नोट करें इसे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन।